हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड जैसे कि आपको बताए भाई, चैनल तो शेयर बाजार से रिलेटेड है, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड ही जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली खबरें रहती है उन्हीं को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है, और कौन सा सेक्टर हम लोग को इसमें देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जो कि इस खबर के चलते इम्पैक्ट होने वाला है जिसके ऊपर, वो है डिफेंस सेक्टर। सो डिफेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, सरकारी सेक्टर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, मतलब सरकार से रिलेटेड ही कोई ना कोई खबरें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलती है। एंड इसमें काफ़ी इफ बट्स होते हैं, ठीक है, आज ये बोल रहे हैं कल उसी में ही कुछ अलग खबर यहाँ पे आ जाए, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती है। सो अगर आप डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो कि मैं डिफेंस कंपनी में निवेश करने के लिए यहाँ पे जाऊँगा या जाऊँगी, तो ये खबर आप लोगों को डेफिनेटली इससे रिलेटेड आइडिया यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, आपको पता ही है, मैं ओवरऑल आप लोगों को बोलते हैं ना कि अपडेट रखने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है करके। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हाल ही में ही हम लोग को इलेक्शन खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड पॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करें, बेसिक चीज़ें आपको पता ही है कि एनडीए की सरकार वापस तीसरी बार बनती हुई देखने को मिल चुकी है। बट यस, इसके पहले की जो एनडीए की सरकार बनी थी दो बार, और अभी की जो एनडीए की सरकार बनी है, इसमें फ़र्क है। कौन सा फ़र्क है, बच्चे बच्चे को पता ही है। तभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी, जो कि एनडीए के साथ ही यहाँ पे रहती है, पर वो मेजोरिटी में थी, 272 प्लस सीटें हम लोग को देखने को मिलती थी, जो कि इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो वो उनको 240 तक ही सीटें मिलते हुए देखने को मिली है। एंड इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बार बार आएगा भाई, अगले 5 साल तक हम लोग को यही चीज़ें देखनी है कि इनके बाकी के जो मित्र पक्ष है, अलायंस है, उनके साथ इनको मिलकर चलना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर उसी में ही अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी हम लोग को देखने को मिल जाती है, जो कि है नीतीश कुमार जी। यस, नीतीश कुमार जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड अगर हम लोग इनके थोड़ी सी हिस्ट्री भी उठाकर देख ले कि जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जंप यहाँ पे किए हैं, तो बार बार इनके ऊपर तो फोकस यहाँ पे ज़्यादा जाता ही है। सो दोस्तों, नीतीश कुमार जी से रिलेटेड ही हम लोग को ज़्यादा खबरें अभी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। और दोस्तों, वो खबर किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों वो खबर है अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड। यस, आप सभी लोगों ने यहाँ पे सुना ही होगा अग्निपथ जो स्कीम देखने को मिल जाती है। यस, डिफेंस से रिलेटेड ही, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अगर हम लोग बात करें, जो नए यंग हम लोगों को सोल्जर्स जो ज्वाइन करते हुए देखने को मिल जाते हैं, पहले जो स्कीम यहाँ पे हुआ करती थी उसको स्क्रैप करके अभी अग्निपथ स्कीम यहाँ पे लाई जा चुकी है। एंड जो भी यहाँ पे इस स्कीम के तहत यहाँ पे सिलेक्ट होगा, आप सभी लोगों को पता है, उनको अग्निवीर ये नाम यहाँ पे दिया जाता है। और जैसे ही हम लोग को स्कीम देखने को यहाँ पे मिली थी दोस्तों, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स भी यहाँ पे हुआ था, इनफैक्ट अभी भी यहाँ पे हो रहा है। एंड ये टॉपिक जो ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक्स की बात करूँ, तो बेसिक्स तो वैसे तो देखा गया, आपको पता ही होगा, बट फिर भी मेरा तो काम रहता है भाई, एक मिनट के अंदर अंदर, आधे मिनट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बता दूँ। तो ये अग्निवीर जो स्कीम है, या फिर अग्निपथ स्कीम, जैसा चाहे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये स्कीम क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है, ये सोल्जर लेवल पर स्कीम यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है। डिफेंस लेवल में अगर देखा गया तो ये ऑफिसर लेवल पे स्कीम एप्लीकेबल नहीं होती है। सो सोल्जर लेवल पे स्कीम एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे आपको पता है, अगर 100 लोग अगर यहाँ पे सोल्जर अगर बन जाते हैं, तो उनकी अभी जॉब परमानेंट नहीं है, ठीक है। उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 साल यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। एंड 4 साल के बाद यहाँ पे 25 लोग ऐसे रहेंगे, मतलब 25% ऐसे सोल्जर्स रहेंगे जिनको बोला जाएगा कि हाँ आप कंटिन्यू कर लो, ठीक है। मतलब उनकी जो 15-17 साल की जो सर्विस रहेगी वो कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे। बट जो बाकी लोग 75 लोग जो रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफेंस छोड़ना पड़ेगा। और उससे रिलेटेड उनको कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ना ही कोई पेंशन मिलेगी, ना ही कोई कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। एंड इसके बीच में अगर उनके साथ अगर कोई चीज़ें अगर हो भी जाती है, ठीक है, तो जो एक नॉर्मल आर्मी ऑफिसर को जो दर्जा यहाँ पे मिलता है, या फिर जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, प्राइम लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इसी स्कीम को लेकर बाद में हम लोग को काफ़ी हो हल्ला मचते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड फिलहाल ये जो वीडियो भी है दोस्तों, ये इसी से रिलेटेड हम सभी लोगों ने देखा था, राइड्स भी देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे फिलहाल नीतीश कुमार जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उनके पार्टी ने ये जो अग्निवीर जो स्कीम है, या फिर आप अग्निपथ कह सकते हो, ठीक है, सो इसका विरोध किया था।
एंड अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि वो एनडीए के साथ ही है, एंड अभी उनकी फर्स्ट सबसे बड़ी डिमांड हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जो कि बार बार जो जेडीयू के जो बाकी के मंत्री हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, खास करके मिस्टर त्यागी जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने तो ये कहा है कि हम लोग जितना हो सके इस स्कीम को मतलब हटाने की कोशिश करेंगी। तो ये चीज़ें फिलहाल तो सामने आती हुई देखने को मिल रही है। मतलब क्या है दोस्तों कि जेडीयू की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो उन्होंने एनडीए को यहाँ पे बोला है, फर्स्ट डिमांड सामने रखा है कि भाई ये अग्निपथ स्कीम को दोबारा रिव्यू किया जाए। ठीक है, मतलब अभी इसमें कोई ना कोई बड़े बदलाव की वो अपेक्षा यहाँ पे कर रहे हैं। शायद से वो परसेंटेज चेंज कर दे, 25 के बदले 50 कर दे, 75 कर दे, देखना पड़ेगा। अभी वो इससे रिलेटेड काफ़ी सारा कंसिडरेशन यहाँ पे लिया जाएगा। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि अभी यहाँ पे जो बाकी के जो पार्टीज है, या फिर हम कह सकते हैं एनडीए के सबसे स्ट्रांगेस्ट पार्टी बीजेपी, अभी इनको इन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। पहले वो कंसिडर नहीं करते थे क्योंकि मेजॉरिटी उन्हीं के पास थी, आराम से वो बिल पास कर सकते थे, सारी चीज़ें करते थे और वही चीज़ें देखने को भी यहाँ पे मिली थी। बट अभी फिलहाल की सिचुएशन वैसी नहीं है। सो नीतीश कुमार जी जो कि एनडीए की साथ ही है, तो उन्होंने ये डिमांड सामने रखी हुई है कि भाई ये अग्निपथ स्कीम है उसको वापस दोबारा रिव्यू किया जाए, अगर हो सके तो इसको हटाया जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी जैसे कि न्यूज़ तो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी, बट इस टॉपिक का शेयर मार्केट से रिलेटेड क्या लिंकेज है, तो दोस्तों डायरेक्ट लिंकेज है। एंड जैसे आपको बताया कि डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड इसका डायरेक्ट लिंकेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो दोस्तों इससे रिलेटेड आप लोगों को एक बेसिक गणित पता यहाँ पे होना चाहिए। गणित मतलब क्या, देखिए हर एक सेक्टर का क्या रहता है, बजट रहता है। तो डिफेंस के बजट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, डिफेंस का बजट भी हम लोगों ने देखा $70 बिलियन, $72 बिलियन, $75 बिलियन के आसपास देखने को मिल जाता है। और ये बजट मतलब क्या दोस्तों, हर एक सेगमेंट के लिए कितना पैसा एलोकेट करना है ये वो सरकार डिसाइड करती है। तो डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मोटा मोटी तीन पिलर्स में ये सेक्टर के ऊपर पैसा हम लोगों को मतलब यहाँ पे डिवाइड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो तीन कौन से पिलर्स है दोस्तों, पहला पिलर है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब अगर हम लोग बात करें वही आर्मी के, आर्मी नेवी एयरफोर्स की अगर हम लोग बात करें, जो सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स रहते हैं, उनकी सैलरी, ठीक है, सैलरी प्लस पेंशन, ठीक है, ये एक मतलब बहुत बड़ा डिफेंस का ये जो पैसा रहता है वो वहाँ पे एलोकेट होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इक्विपमेंट, ठीक है, हथियार खरीदने चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए पैसा यहाँ पे एलोकेट किया जाता है। और तीसरा रहता है दोस्तों R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डिफेंस के लिए अगर 100 रुपया अगर दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो 100 रुपया HR के लिए मतलब सैलरी पेंशन के लिए सोल्जर्स के, इक्विपमेंट खरीदने के लिए एंड उसी के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे वो 100 रुपये का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। बट वो 100 रुपया किसको कितना मिलेगा, तो ये आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। सो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो 100 रुपया है दोस्तों, उसमें से 50-55% अगर पैसा अगर किसी को जाता है तो वो जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो सोल्जर्स है उनके सैलरी एंड पेंशन के लिए 50-55% जाता है, ठीक है। एंड बाकी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बाकी के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए अलग अलग एलोकेशन देखने को मिल जाता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो चार्ट पैटर्न आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि सैलरी के लिए 31% यहाँ पे खर्चा हो रहा है एंड पेंशन के लिए 23% अप्रॉक्सीमेटली। सो आप कह सकते हैं बजट का, कुल बजट का लगभग 54% डिफेंस बजट का, 100 रुपया अगर रहता है तो 54 रुपीज़ कहाँ पे जा रहा है, सैलरी एंड पेंशन के ऊपर। देन अगर हम लोग बाकी की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए 23% जाते हुए देखने को मिल रहा है। वेपन मतलब खर्चे की, अगर हथियारों की अगर हम लोग बात करें तो 23%। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो केवल 3.5% ओनली 3.5% दोस्तों। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा, कोई भी डिफेंस फोर्सेस सबसे बड़ी अगर ताकतवर अगर कभी भविष्य में बनेगी तो वो R&D के ऊपर कितना खर्चा करते हैं उस हिसाब से बनती है, ठीक है। इसके ऊपर खर्चा यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले जो वॉर्स यहाँ पे रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेगी वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही यहाँ पे लड़ी जाएंगी, ठीक है। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा यहाँ पे होना चाहिए। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, अभी आपको बाइफर्केशन समझ में आया कि सबसे ज़्यादा पैसा किसके लिए यहाँ पे जाता है, यस, सैलरी प्लस पेंशन के लिए जाता है लगभग 54%। सो ये अभी तक का चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो इसी चीज़ को बदलने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिया गया पता है, यही अग्निवर स्कीम, अग्निपथ स्कीम यहाँ पे सरकार ने इंट्रोड्यूस की। तो सरकार यहाँ पे क्या करना चाहती है, देखिए अल्टीमेटली उनको वो 100 रुपये में ही एडजस्ट करना है। सो एक जगह पे 54 जा रहा है एंड बाकी अदर इसमें यहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो सरकार का प्लान क्या था कि यहाँ पे कुछ भी करके सैलरी प्लस पेंशन, यहाँ से कुछ भी चीज़ें कम अगर हो सकती है तो वहाँ से अगर हम लोग कम करेंगे एंड फिर कम किया हुआ चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे डाइवर्ट करेंगे
R&D के ऊपर डाइवर्ट करेंगे या फिर वेपन इक्विपमेंट के लिए उस परचेसिंग के लिए डाइवर्ट यहाँ पे करेंगे। तो ये सरकार का प्लान यहाँ पे चल रहा था। मतलब अग्निवीर स्कीम की मैं बात करूँ, अग्निपथ स्कीम की भी अगर मैं बात करूँ, इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिला था, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे देखा गया तो काफ़ी बुरी स्कीम देखने को मिल रही थी अकॉर्डिंग टू द जो भी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। बट मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, शेयर मार्केट के हिसाब से ये स्कीम काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। मैं अगेन कह रहा हूँ शेयर मार्केट के हिसाब से, क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट के हिसाब से अगर देखा गया दोस्तों तो इक्विपमेंट के लिए, ठीक है, या फिर R&D के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अभी हम लोग को धीमे धीमे करके डाइवर्ट यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो ये एक अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल रही थी। मैं अगेन रिपीट करते रहूँगा, मार्केट के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट अभी वापस यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि यस, इस स्कीम को रिव्यू करने की बात हो रही है या फिर डिमोलिश करने की भी यहाँ पे बात करें। अपोजिशंस ने तो ये तक कह दिया है कि हम लोग इस संसद का जो सदन रहेगा उसमें तो सीधा इस चीज़ को तो हम लोग हाईलाइट यहाँ पे करवाएंगे करवाएंगे और जितना जोर हो सके लगाकर इस स्कीम को हटाने की भी कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, मतलब आपको ओवरऑल कंक्लूजन समझ में आया कि अग्निवीर स्कीम के चलते क्या हो रहा था, ये 54% धीमे धीमे करके कम होने वाला था। और ये कम होके कहाँ पे जाने वाला था? यस, ये जो कंपनियाँ ये जो इक्विपमेंट्स बनाती है ना, वहाँ पे वो पैसा डाइवर्ट होने वाला था। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भी बाकी चीज़ें, मेंटेनेंस एंड ऑल दिस, वो तो चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। एंड R&D, वहाँ पे हम लोगों को वो पैसा शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। मतलब क्या है कि ये जो कंपनियाँ हम लोग को देखने को मिलती थी डिफेंस से रिलेटेड, हाँ, उनका बजट, मतलब यहाँ पे वो पैसा हम लोग को डाइवर्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। किस चीज़ के चलते? ये अग्निवीर स्कीम के चलते। ऑब्वियसली एक स्कीम के चलते पूरा ऐसा कोई धूमधड़ाका तो यहाँ पे नहीं होगा अगर कंपनीज की अगर बात करें तो। बट यस, धीमे धीमे करके यहाँ पे हम लोगों को कुछ ना कुछ तो पैसा ट्रांसफर होते हुए देखने को मिला था। बिकॉज इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं कंपनीज को वो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। इनिशियल स्टेज पे अमाउंट काफ़ी छोटा ही देखने को मिलने वाला था, बट लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो अमाउंट धीमे धीमे करके यहाँ पे बढ़ने वाला था। सो अग्निपथ स्कीम की बात करें, अग्निवीर स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो डिफेंस वाली कंपनियां थी उनके लिए एक अच्छा खासा स्कोप हम लोग को देखने को मिल रहा था। बिकॉज HR से जो पैसा था वो इनके लिए ट्रांसफर होते हुए देखने को आप मिल रहा था कुछ परसेंटेज। बट अगर ये स्कीम वापस डिमोलिश हो गई या फिर वापस अगर परसेंटेज अगर बढ़ जाता है तो वापस इनके लिए हम कह सकते जो अलोकेशन है वो कुछ हद तक वो कम होते हुए देखने को आप मिल सकता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होनी चाहिए, बस इतना यहाँ पे कहना चाहूँगा। इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी तरीके से कंपनियाँ इन्हीं के ऊपर निर्भर करती थी, नहीं, बाकी जगह से भी हम लोगों को इन कंपनीज को पैसे आते हुए देखने को मिलते थे। बट यस, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे मैंने कवर यहाँ पे किया है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। फिलहाल तो सरकार भी बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को रिव्यू करेंगे, क्योंकि डिफेंस लेवल से भी काफ़ी सारे सजेशंस हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो अगर आप डिफेंस कंपनीज में जाने का विचार कर रहे हो तो एक पॉइंट आप लोगों को डेफिनेटली पता यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए वीडियो को कवर किया गया था। कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।